नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचवारा पुरानी हटिया टोला में गुरुवार को आपसी विवाद में एक युवक ने अपने ही दोस्त के गर्दन पर चाकू मार दिया, जिसे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को परिजनों ने आनन फानन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचवारा पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। घायल युवक की पहचान पंचवारा पुरानी हटिया टोला निवासी गौरी साह के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। घायल युवक ने बताया कि वह अपने पिता के साथ पुरानी हटिया टोला के बरगद पेड़ के पास काम कर रहा था। इसी दौरान दो युवक पंजवारा निवासी बजरंगी कुमार और पंजवारा थाना में पदस्थापित एक थाना कर्मी के पुत्र अंकित कुमार को साथ बुला ले गए और पंजवारा दुर्गा मंदिर के पीछे स्थित एक भूखंड में तीनों में बातचीत के दौरान अंकित कुमार ने युवक के गर्दन पर चाकू मार दिया। घटना को लेकर मौके पर पहुंचे पंचवारा थाना के एसआई अरविंद कुमार सिंह ने युवक के बयान पर मामले का आवेदन लेते हुए घटना की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बताते चले कि जिस जगह यह घटना हुई उसके आसपास में जुआ और नशेबाजी का अड्डा लगता है। वहीं घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए बांका रेफर कर दिया गया है। अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा अवैध खनन को रोकने के उद्देश्य से चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत नंदलाल पट्टी के समीप बालू लदी तीन ट्रैक्टर जब्त किया गया है। मौके से एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार चालक नंदलाल पट्टी गांव निवासी देवेंद्र कुमार बताया गया। थाना अध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार बालू खनन रोकने को लेकर विभिन्न बालू घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसके तहत नंदलाल पट्टी के समीप तीन बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने का इशारा किया गया। दो ट्रैक्टर के चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि एक ट्रैक्टर चालक को खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया जब्त वाहनों पर खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गुरुवार को क्षेत्र के सभी शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने सुबह से ही पहुंचने लगे। क्षेत्र से सटे सीमावर्ती खटनाई गाँव में बाबा कष्टहरनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। मंदिर परिसर के बाहर मेला भी लगा हुआ था। वहीं पंचवारा बाजार स्थित गणिनाथ मंदिर, पंचवारा अस्पताल के पास अवस्थित शिव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में शिवालयों में भी भक्तों की खासी भीड़ देखी गई। लोग विधि पूर्वक देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती का पूजन कर रहे थे। मंदिरों को रंग बिरंगे रोशनी से सजाया गया था। वहीं सायंकाल में रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजन का आयोजन किया गया था एवं इस दौरान शिवालयों में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि को लेकर बाजारों में भी खासी भीड़ देखी गई और लोगों में पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सबसे आग्रह है, अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।